हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों बाइनेंस में किस तरीके से विड्रॉ किया जाए, दोस्तों एक सिंपल तरीका मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं कि जिस तरीके से आप करोगे तो वहां पर बाइनेंस में आपका विड्रॉ तुरंत हो जाएगा और तुरंत आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। और बीच बीच में मैं आपको टिप्स भी देते रहूंगा ताकि आपको किसी और की वीडियो देखना ना पड़े। और इस तरीके से दोस्तों अगर आप पैसे विड्रॉ करते हैं तो आप किसी भी दूसरे एक्सचेंज में इसी तरीके से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि हुबोई हो गया या फिर बाइनेंस हो गया या फिर दूसरा कोई भी एक्सचेंज हो गया, वहां से भी आप इसी तरीके से सेम पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। और मैं आपको ये चीज लाइव करके दिखाने वाला हूँ, सब चीज मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पे करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपको मेरे से कुछ पूछना है, पर्सनली बात करना है, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे को टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जाके फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए अभी मैं आ गया हूँ अपने बाइनेंस के एप्लीकेशन में। अब मान लीजिए कि आपने किसी कॉइन को खरीदा था $40 में और अब वो हो गया है 60 या फिर $70 का, तो आपने प्रॉफिट कमा लिया है और अब आप चाहते हैं कि हम अपना पैसा जल्दी से ट्रांसफ़र कर लें अपने बैंक अकाउंट में। तो देखिए अभी मैं चलता हूँ अपने वॉलेट में, आपको दिखाता हूँ। तो देखिए मान लीजिए कि ये वो कॉइन है जिसको मैंने $40 में खरीदा था और अब ये हो गया है 60 या $70 का। तो सबसे पहले आपको इस कॉइन को सेल करना है USDT के पेयर में। तो देखिए इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है USDT का पेयर। तो देखिए ये रहा USDT का पेयर, इस पे आपको क्लिक करना है और सिंपल आपको सेल पे जाना है। और जैसे आप किसी भी कॉइन को सेल करते हैं 100% पे क्लिक करके, सेल पे क्लिक करके आपको वैसे ही इसको सेल कर देना है। तो अभी मैं यहाँ पर सेल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पहले से ही USDT पड़ा हुआ है मेरे वॉलेट में। तो सबसे पहले मैं उसको ट्रांसफर करके दिखाता हूँ अपने बैंक अकाउंट में। तो देखिए अभी मैं चलता हूँ वॉलेट में। तो देखिए ये रहे मेरे USDT, यहाँ पर आप देख सकते हैं 22 USDT यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो इसको मैं आपको सेंड करके दिखाता हूँ अपने बैंक अकाउंट में। तो सेंड करने के लिए आपको यहाँ पर एक ट्रांसफर का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है और सबसे पहले आपको इसको भेजना होगा P2P वॉलेट में। दोस्तों स्पॉट वॉलेट वो होता है जहाँ से आप ट्रेडिंग करते हैं। अगर आपको अपने डॉलर को ट्रांसफर करना है अपने बैंक अकाउंट में तो सबसे पहले आपको इसको भेजना होगा अपने P2P वॉलेट में, जिसके लिए आपको यहाँ पर एक ट्रांसफर का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद में आपको यहाँ पर शो किया जाएगा कि आप अपने स्पॉट वॉलेट से भेज रहे हैं P2P वॉलेट में। उसके बाद में आपको यहाँ पर करेंसी सेलेक्ट करना है कि कौन सा करेंसी आप यहाँ पर सेंड करना चाहते हैं। तो सबसे पहले इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे USDT। तो देखिए यहाँ पर आ चुका है। अब आपको यहाँ पर अमाउंट डालना है कि कितना अमाउंट आप यहाँ पर ट्रांसफर करना चाहते हैं। आप चाहें तो मैक्स पे क्लिक करके सारा USDT सेंड कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 5 USDT ट्रांसफर करके दिखाएंगे आपको। ट्रांसफर पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं अभी हमारा 5 USDT ट्रांसफर हो चुका है P2P वॉलेट में। इसको बैक करते हैं, उसके बाद चलना है आपको अपने P2P वॉलेट में। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास 5 USDT आ चुका है यहाँ पर। अब आपको इसको सेल करना है, यानी P2P ट्रेडिंग करनी है। इसको सेल करके आपको अपने पैसे लेना है अपने बैंक अकाउंट में, जिसके लिए आपको यहाँ पर एक सेल का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ चीज़ जानना है, जैसे कि यहाँ पर P2P का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है और आपको यहाँ पर एक एक्सप्रेस का ऑप्शन मिलता है। तो एक्सप्रेस उन लोगों के लिए है जो नए नए आए हैं, तो आपको इसको इग्नोर करना है, आपको सिंपल P2P पे क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको INR का ऑप्शन मिलता है। तो देखिए मान लीजिए आपका किसी और लोकेशन को चेक करके किसी और करेंसी में दिखाने लगता है तो आप लोगों को समझ में नहीं आता कि कौन सा करेंसी दिखा रहा है, किस प्राइस पे चल रहा है, तो बहुत सारा मुसीबत होता है उस टाइम पे। तो आपको यहाँ पर इस पर आपको क्लिक करना है और सिंपल आपको यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर लिख देना है INR। जैसे ही आप INR में लिख देंगे तो आपको यहाँ पर INR में शो होने लग जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास पहले से ही INR में शो हो रहा है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास INR में शो नहीं हो रहा है तो यहाँ से आप INR में शो करवा सकते हैं। और अब आपको यहाँ पर एक ऐसा बायर फाइंड करना है जो आपके अमाउंट के हिसाब से आपसे USDT बाय कर सके। जैसे कि हमारे पास 385 रुपीज के USDT है, तो अब हम यहाँ पर एक ऐसा सेलर फाइंड करेंगे जो हमारे USDT के बदले 385 रुपीज दे सके। आप चाहें तो यहाँ पर स्क्रॉल करके भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर एक फिल्टर का ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि आपका काम काफी ज्यादा आसान कर देगा। इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना मिनिमम अमाउंट डालना है। तो जैसे कि हम यहाँ पर ₹300 डाल देते हैं, उसके बाद में आपको यहाँ पर यस पे क्लिक करना है और अब आपके सामने वो बायर्स आ गए हैं जिसके लिमिट आपके अमाउंट से मैच करते हैं। देखिए अब आपको यहाँ पर उसी बायर को सेल करने हैं अपने USDT जिसका परसेंटेज ज्यादा हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं 93% और 93%, यहाँ पर भी 93%। तो आप यहाँ पर उसी बायर को सेल कीजिए जिसका परसेंटेज 90 से अबव हो, नहीं तो वो आपको टाइम पास कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर फ्रॉड होने का चांसेस बहुत कम है, लेकिन हाँ जैसे कि आप लोग जानते हैं यहाँ पर पहला ऑर्डर जब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक आप यहाँ पर सेकंड ऑर्डर नहीं लगा सकते। तो इसलिए आप यहाँ पर उन्हीं बायर को सेल कीजिए जिसका 90% से ज्यादा हो, नहीं तो वो आपका बेकार का टाइम पास करेंगे। तो देखिए जैसे कि ये पहला बंदा है जो कि
77 रुपए में हमारा यूएसडीटी खरीद रहा है, लेकिन ये आपको पैसा देगा सिर्फ और सिर्फ यूपीआई में। सेकंड वाला देख सकते हैं, ये आपको बैंक अकाउंट में भेजेगा और आईएमपीएस के थ्रू भी यहाँ पर ये पैसा भेज सकता है। आप चाहें तो इससे भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मेरे को यहाँ पर यूपीआई के थ्रू चाहिए। और दोनों का जो परसेंटेज है वो 90 से अबव है, तो देखा जाए तो दोनों में से आप किसी को भी सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहला वाला बंदा है इसको मैं सेल करता हूँ। अब देखिए उसके बाद में आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको यूएसडीटी डालना है कि कितना यूएसडीटी आप बेचना चाहते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर बाय फिएट में अपना अमाउंट भी डाल सकते हैं कि कितना अमाउंट आपको सेल करना है। तो देखिए अभी मैं बाय क्रिप्टो पे अपना सारा यूएसडीटी सेल करके दिखाता हूँ आपको। और यहाँ पर आपको अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है कि किसमें आप अपना पैसा लेना चाहते हैं। तो देखिए अभी मैं यहाँ पर अपने यूपीआई में पैसा लेना चाहूंगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना पेमेंट मेथड ऐड करना होगा, जिसके लिए आप ऐड अ न्यू पेमेंट मेथड पे क्लिक करेंगे। अभी मैंने यहाँ पर कोई भी पेमेंट मेथड ऐड नहीं कर रखा है, आप अगर ऐड कर रखे होंगे तो वहाँ पर आपको शो हो जाएगा। तो देखिए आप चाहें तो ये सारे पेमेंट मेथड आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी मैं यहाँ पर यूपीआई में पेमेंट लेना चाहता हूँ, तो अभी मैं यहाँ पर यूपीआई को ही ऐड कर रहा हूँ। इस पर आपको क्लिक करना है और सिंपल आपको यहाँ पर अपना यूपीआई आईडी डालना है। तो जैसे कि देख सकते हैं हमने यहाँ पर अपनी यूपीआई आईडी फिल कर दी है, नेम अपने आप यहाँ पर आ गया है। उसके बाद में नीचे आपको कन्फर्म का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर एक सेंड कोड का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सेंड कोड पे क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर फिल कर देना है। तो जैसे कि यहाँ पर आ चुका है, हम इसको फिल कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सक्सेसफुल हमारा यूपीआई ऐड हो चुका है, मैसेज भी यहाँ पर आ चुका है। अब आपको यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये यूपीआई यहाँ पर सेलेक्ट हो गई है। और उसके बाद में आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं 385 रुपीज़ हमें यहाँ पर मिलेगा। नीचे आपको सेल यूएसडीटी का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए ऊपर में आपको ये टाइमिंग दिखाई जा रही है कि कितनी टाइमिंग में वो नॉर्मली आपको पैसा भेज सकता है। और ऊपर में आपको एक चैट का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करके आप उससे बात कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर बोलते हैं हेलो सेंड मी मनी, तो देखिए हमने इसको मैसेज भेज दिया है। और ऊपर में आपको एक बाइनेंस की तरफ से नोटिफिकेशन भी देखने को मिलता है। इसमें सिंपल यही लिखा हुआ है कि बिना अपने बैंक अकाउंट में चेक किए हुए आपके पैसे आ गए हैं या फिर नहीं, आपको कंफर्म नहीं करना है। सिंपल यही है कि जब आपका पैसा मिल जाए, आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, तभी आपको यहाँ पर कंफर्म करना है। बीच में आपको कैंसिल नहीं करना है। अगर कैंसिल करना पड़ जाए तो आप कैंसिल करिए, लेकिन तभी जब उसने पैसा ना भेजा हो तो कैंसिल करिए, या फिर आपने पैसा ना भेजा हो तब कैंसिल करिए, नहीं तो कैंसिल मत कीजिए। उसके बाद बीच में कभी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो आपको नीचे एक बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो बताएगा कि कैसे आप सपोर्ट सेंटर में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन तब जब उसने पैसा भेज दिया हो और आप कंफर्म नहीं कर रहे हो, या फिर आपने पैसा भेज दिया हो वो कंफर्म नहीं कर रहा, तब ये ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। नीचे आप देख सकते हैं ये जो कंफर्म वाला बटन है ये अभी हाईलाइट नहीं है, ये ग्रे कलर का है, क्योंकि जब वो पैसा उधर से भेज देगा, जब वो बोलेगा कि हमने पैसा भेज दिया, तब ये हाईलाइट हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये सेंडिंग में लिख रहा है, यानी ये पैसा भेज रहा है, तो हम यहाँ पर ओके कर देते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कंफर्म वाला जो बटन है वो कलर में आ गया है। अब हम अपना बैंक अकाउंट चेक करते हैं कि हमारा जो पैसा है वो आया या फिर नहीं। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं 23 सेकंड पहले हमारे पास यहाँ पर पैसे आ चुके हैं 385 रुपीज़। अब हम चलते हैं अपने बाइनेंस के अकाउंट में और यूएसडीटी को रिलीज कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो नीचे कंफर्म रिसीप्ट का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको टिक पे क्लिक कर देना है और कंफर्म पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ से हमने यूएसडीटी रिलीज कर दिए और अब आपको यहाँ पर सिक्योरिटी देना है। तो देखिए यहाँ पर सेंड कोड पे आपको क्लिक करना है और आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा फिर से, और उसको आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास 385 रुपीज़ आ गए हैं और हमने वहाँ पर डॉलर उसको भेज दिए हैं। यहाँ पर हम डन पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से आप अपने किसी भी क्रिप्टो को सेल करके उसका पैसा अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपको ऐसी वीडियो में। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।